ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का साई संदेश। जीवन में इंसान का गिरना भी ज़रूरी होता है, तभी उसे अपनी हैसियत और औकात का पता चलता है। जब इंसान गिरता है तभी वो सच्चाई से रूबरू होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह ज़िंदगी के भी दो रंग हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी अच्छा दौर है तो कभी बुरा दौर है। जब अच्छा समय होता है तो ज़िंदगी फूलों सी महकती है और उस वक्त आपके साथ पूरी दुनिया होगी। लेकिन जब बुरा दौर होता है तो ज़िंदगी कांटों से चुभती है, उस समय आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। ज़िंदगी की सच्चाई से आप रूबरू होंगे, क्योंकि यही ज़िंदगी का कड़वा सच है। इसी दौर में इंसान के जीवन के बहुत से भ्रम टूट जाते हैं, और जब जीवन के भ्रम टूटते हैं तो जीना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही सच्चाई है, और सच्चाई का सामना करना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान सच को नहीं जान लेता तब तक वो एक भ्रम में ही जिंदा रहता है, और सही वक्त पर अगर इंसान सब कुछ जान ले तो वो खुद को संभाल लेता है। अगर वक्त रहते हम संभल जाते हैं तो जीवन में कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आपने कुछ भी जीवन में नहीं खोया है, आप सब कुछ दोबारा पा सकते हो। दुनिया में इतनी ताकत नहीं कि वो आपको गिरा सके। गिरता और हारता कब है इंसान? जब वो खुद से हार मान लेता है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानेंगे, आप अकेले लड़ते रहेंगे, तो दुनिया में हिम्मत नहीं है कि वो आपको गिरा सके या आपको हरा सके, और ना ही कोई आपको जगा सकता है। जब तक आप खुद से नहीं जागोगे, खुद से मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप कामयाब भी नहीं हो पाओगे। ये दुनिया, ये लोग हमें सहानुभूति दे सकते हैं, हमें तसल्ली दे सकते हैं, हमें हौसला दे सकते हैं, लेकिन मेहनत तो हमें खुद करनी होगी, साथ हमारा कोई नहीं देगा। अपनी कामयाबी के लिए चलना हमें खुद होगा, और ये रास्ता बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हो तो एक सुनहरा उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार करता है। और जब इंसान अपनी मंजिल को पा लेता है तो ये दुख, ये परेशानियाँ सब कुछ भूल जाता है। इसलिए इंसान को खुद पर विश्वास होना चाहिए और खुद से ही उम्मीद करनी चाहिए। जो आप चाह सकते हो वो आप पा सकते हो। आपके हौसले मजबूत होने चाहिए, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, तो जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर पूरा ज़माना भी आपके खिलाफ हो जाए तब भी आप अकेले खड़े रहिए, सच के लिए लड़ते रहिए। जब आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ते रहिए। जब लोग आपके कार्य पर संदेह करते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संदेह हमेशा सोने की शुद्धता पर किया जाता है। कोयले की खाखल को कोई नहीं छानता है, और आपने अक्सर देखा होगा कि लोहे को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन जंग उसे ख़त्म कर देती है। इसी तरह इंसान को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी भी इंसान को तोड़ दे या नीचे गिरा दे। इंसान हारता कब है? उसकी सोच से, जब वो नकारात्मक सोच रखने लगता है, नकारात्मक विचार करने लगता है, तब इंसान खुद से हार जाता है। और जब इंसान खुद से हार मान लेता है तो वो जीवन में पूरी दुनिया से हार जाता है, क्योंकि हमारे सोच, हमारा विचार ही हमारा निर्माण करते हैं और हमारा विनाश करते हैं। हम खुद अपने निर्माण और विनाश के जिम्मेदार होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखिए, ऊंचे विचार रखिए। आप इस बात पर विश्वास रखिए कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा और आपका जीवन बहुत सुखद है, बहुत खुशहाल है, और ऐसा बहुत जल्द होगा। तो एक दिन आपके विश्वास की जीत ज़रूर होगी। आपका यही विश्वास हकीकत में आपके जीवन में पूरी तरह से बदल देगा। इसलिए इंसान को ऊंची सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा, तो वही हमारे जीवन में घटित होने लगता है। लेकिन अगर हर समय हम ज़िंदगी से उदास रहेंगे और दुखों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हम दुखों की इस काली छाया से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये दुख हमारे जीवन से कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम सुख और खुशी के बारे में सोचेंगे कि हमारा जीवन बहुत खुशहाल है, तो ज़िंदगी खुशियों से एक दिन ज़रूर भर जाएगी। और जिस इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास होता है, अपने कर्मों पर विश्वास होता है, तो वो अपना भाग्य एक दिन खुद लिखता है। अगर भाग्य के भरोसे इंसान रहता है तो वही पाता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। लेकिन अगर अपने कर्म पर विश्वास करता है
तो वो जो उसके भाग्य में नहीं भी लिखा वो भी भगवान हमारे भाग्य में लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे इंसानों से ही प्रेम करते हैं जो सच्चे हृदय के होते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं। चाहे किसी भी दौर से क्यों ना गुजरना हो, लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ते। तो ऐसे लोग एक दिन अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी कामयाबी ज़रूर हासिल करते हैं। ज़िंदगी में अपमान सहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है, तो वो ईश्वर इस अपमान को सम्मान में बदल देंगे और बहुत जल्द ऐसा होगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें, ओम साईं राम, हर हर महादेव।